हाय डियर फ्रेंड, आज 16 जनवरी है। 16 जनवरी का हम करंट अफेयर आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने 15 जनवरी में क्वेश्चन बोला था कि कितनी योजनाएं हैं, तो आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए, तो आज का हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 मतलब 2016 से 2018 में कितने हाथियों की रेल दुर्घटना में मौत हुई है। ठीक है, 2016 से 2018 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2018 में रेल दुर्घटना में हाथियों की मौत हुई है, तो कितने हुई हैं टोटल। बी ऑप्शन 49 है, 49। ठीक है, तो ये याद रखना है, 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ IMBEX 2018 टू 2019 युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण शुरू किया है। IMBEX युद्ध संस्करण का, ठीक है, युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण शुरू किया है, तो वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के साथ। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच IMBEX 2018 टू 2019 युद्ध अभ्यास चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में शुरू हो गया है। यह IMBEX युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण है। ठीक है, तीसरा देखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है। तो कपास, ठीक है, कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है, चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है, वो कौन सा देश है। तो ऑप्शन है डी, चीन। ठीक है, चीन द्वारा चांद पर भेजे गए रोवर चांग E4, ये भी याद रखना है कि चीन ने जो चांद पर भेजे गए थे वो कौन सा यान था। रोवर चांग E4 द्वारा कपास के बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की गई है। चीन का दावा है कि उसके रोवर चांग E4 पर लगाए ये प्रयोगात्मक बॉक्स में यह सफल प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP, ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP राष्ट्र को समर्पित की है। ठीक है, तो कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में बालांगीर का दौरा किया। उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बालांगीर में प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो ये उड़ीसा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक में लिए गए निर्णय। जीएसटी परिषद की 32वीं, देखिए 32वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने सदस्य वाले GOM का गठन किया गया है। ठीक है, GOM का गठन किया गया है। ठीक है, GOM गोम का गठन किया गया है, तो वो है 7। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद 32वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यीय मंत्री समूह, GOM का गठन किया गया है। कितने, 7, ये याद रखना। ठीक है, 32वें में 7 सदस्य का गठन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग, गेगोंग हाँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो कौन है और कौन से राज्य से है, वो अरुणाचल प्रदेश से हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गेगोंग अपांग ने भारतीय जनता पार्टी से क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गेगोंग अपांग ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वे लगभग 22 वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 22 वर्षों तक भारत में दूसरे सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कांग्रेस नेता गेगोंग अपांग ने फरवरी 2014 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। थोड़ा सा ये आगे मिस्टेक है, तो थोड़ा सा उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन को आपने भी सर्च करके और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 15 जनवरी 2019 को निम्न में से किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त कर दिया है, ठीक है। आईसीसी ने 15 जनवरी 2019 को ही एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है, तो वो है मनु साहनी। मनु साहनी को ही आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी ने मनु साहनी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है। मनु साहनी अगले महीने आईसीसी के साथ जुड़ेंगे और वे जुलाई में मौजूदा सीईओ डेविड रिचर्डन्स की जगह लेंगे, ठीक है। मतलब इसके पहले जो सीईओ थे वो कौन थे, डेविड रिचर्डसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई के खार जिम खाना क्लब ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मानद सदस्यता कितने साल के लिए निलंबित कर दी है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी 3 साल के लिए, ठीक है। इनका कुछ ज़्यादा ही मतलब चर्चित हैं हार्दिक पांड्या जी, तो महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर मुंबई के खार जिम खाना क्लब ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मानद सदस्यता 3 साल के लिए निलंबित कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि ये महिलाओं पर कुछ टिप्पणी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस राज्य के डी गुकेश 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए, तो वो हैं तमिलनाडु के, ठीक है। डी गुकेश कहाँ के हैं, तमिलनाडु के, ये भी आपको पता चले। तमिलनाडु के डी गुकेश 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 12 साल 7 महीने और 17 दिन के गुकेश ने यह उपलब्धि 17वीं दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम पाकर हासिल की है। वहीं सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड सर्गेई कार्जिकिन 12 वर्ष 7 महीने के नाम है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कौन है, तमिलनाडु के डी गुकेश। और लास्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटीज रैंकिंग वर्ष 2019 में भारत के कितने स्थानों को जगह मिली है। कौन सा टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग कि भारत में कितने स्थानों को जगह मिली है, तो वह है 49। टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने भारत में 49 स्थानों को जगह मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से 200 वर्षों में जगह बनाने में सफल रहे हैं। लंदन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार 2019 की सूची में सबसे अधिक जगह पाने वाला देश चीन रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।